तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करिए जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको जो वीडियो चल रही है इन सबकी वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ हर एक दिन के जो एनालिसिस हम लोग करते हैं पेपर की उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रतिशत के क्वेश्चन जो होते हैं इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बेस है। अगर हम लोग बोलेंगे तो जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जो शरीर की जान कह सकते हैं, उसी तरीके से अर्थमेटिक में अगर हम लोग बात करेंगे मैथ में, तो जो प्रतिशत चैप्टर है ये अर्थमेटिक की जान है, पूरी अर्थमेटिक का समझिए निचोड़ है ये। अगर आपने प्रतिशत के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया तो आपको कई सारे जो टॉपिक्स है वो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो प्रतिशत और रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, फिर आप देखोगे कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कैसे क्वेश्चन लगते हैं, सारे के सारे चीज़ों को आपको थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 6000 से 6500 हो जाती है तो शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लास्ट तक के अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है इससे पहले मैंने साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को करवाए हुए हैं जो रेलवे परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे और आगे आने वाले शिफ्ट में पूछे सकते हैं। तो अगर तब अभी तक आपने नहीं देखा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन तो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, किसी शहर की जो जनसंख्या 6000 से 6500 हो रही है तो कितने प्रतिशत बढ़ी। पहले कितना था जनसंख्या, 6000 था, अब कितना हो गया ये 6500 हो गया, बढ़ा कितना 500 बढ़ा, कितने से बढ़ा 6000 से बढ़ा, इनटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, कितना बढ़ा 500 बढ़ा, पहले कितना था 6000 इनटू हमने 100 कर दिया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ये एक जीरो से ये कट गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो 50/6 यानी कि हम इसे कह सकते हैं 25/3% क्या हो गई, उस शहर की जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसानी से हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि दो उम्मीदवारों को एक चुनाव में भाग लिया, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, पहले उम्मीदवार को 41% मत मिले और दूसरे से वह 2412 मतों से चुनाव हार गया, तो बताना है कुल मतों की संख्या क्या थी। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली आपको सोचना है, चुनाव वाले क्वेश्चन अभी तक तो रेलवे में नहीं आए हैं लेकिन आगे आने शिफ्ट में, क्योंकि प्रतिशत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग लगभग रेलवे पूछ रहा है, तो एक यही ऐसा इकलौता क्वेश्चन बनता है जो रेलवे ने अभी तक नहीं पूछा, तो ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछे आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को दिया हुआ ताकि आप इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो समझ सको कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली हमें करना कैसे होता है। तो दो उम्मीदवार थे चुनाव में, क्वेश्चन में कह रहा कि 100% वोट पड़े, क्योंकि इसमें कहा ये नहीं कि कितने परसेंट नहीं पड़े, ये तो उसने बोला नहीं। पहले उम्मीदवार को अगर मिला है 41, ये हारने वाला उम्मीदवार है क्योंकि ये क्या हुआ, हार गया, तो जीतने वाला जो उम्मीदवार होगा वो आप बताइए कितना उसको मिलेगा, उसको मिला होगा 59%, तभी 41 और 59 कितना होगा 100 होगा। 41 और 59 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि हारने और जीतने का बात उसने किया है, तो ये आ रहा 18 रेशियो, 18% का डिफरेंस आ रहा, और इसी 18% की जो वैल्यू है वो 2412 दे रहा है। ठीक है, इसी 18% की वैल्यू कितना दे रहा है 2412, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 134 आ गई। 100% की वैल्यू की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13400 आ जाएगा, यानी उस चुनाव में कुल मिला के 13400 वोट। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% मूल्य उसकी बढ़ा दी जाती है तो किसी व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि जो उसका खर्च है वो पहले जैसा ही खर्च रहे और खर्च में उसकी कोई भी बढ़ोतरी ना हो। वस्तु का मूल मान लीजिए पहले 100 था, अब मूल्य बढ़ा दिया गया 125 रुपया, तो इस 100 रुपये के लिए वो सामान भी कितना खर्चा करता था, रुपया अपना कितना खर्चा था 100 रुपये ही खर्चा करता था, लेकिन जब दाम बढ़ गया तो अभी भी वो चाहता कि वो 100 रुपये ही खर्चा करे, तो अपनी खपत में उसको कुछ कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा वही आपसे पूछा है। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि वस्तु के मूल्य में 25% बढ़ोतरी की गई, उसको कितना कमी करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च पहले जैसे रहे, तो कितना बढ़ाया गया है 25%, बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 125 × 100, बस आपका यही आंसर आएगा 25% 125, ये आ जाएगा 20%, यानी उसको कितने परसेंट कमी करना पड़ेगा 20% की कमी करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 25% की गिरावट आ गई,
तो हम क्या करेंगे, गिरावट कितनी आई 25 की, गिरने के बाद वो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, बस आप यहाँ से लगा दोगे। अगर बढ़ोतरी कहेगा नीचे 125 रख दोगे, अगर कहेगा कमी हो रहा तो नीचे 75 रख दोगे, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि अगला कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% की कमी कर दी गई, तो अब मूल्य में कितनी कमी होगी। जब मैंने आपको एनालिसिस कराया था तो सेम ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, और मैंने वहाँ आपको दो तीन चीज़ें बताई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले तो वो मैथ की जितने भी सिर्फ के एनालिसिस थे वो सभी के सभी सिर्फ के एनालिसिस जरूर देखें। सबका जो आपको वीडियो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करते ही वहाँ से वीडियो पा जाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी कहीं भी अगर आपको दिखता कि 20% की बढ़ोतरी की गई और फिर देन उसको 20% माइनस कर दी गया, तो याद रख लीजिए हमेशा ही -4% का आपको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। 20-20 की बात करेगा तो -4% का आपको नुकसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही वो 10-10 की बात करता है तो क्या हो जाएगा, आपको -1% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप एकदम याद कर लीजिए। और मैक्सिमम जो रेलवे में क्वेश्चन बात करें या फिर SSC में बात करें तो वो इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको कहीं भी 20% का प्रॉफिट हो, 20% का लॉस हो, तो -4 का नुकसान होगा। ये आएगा कैसे, सिंपल है, 20 + 20 - 20 × 20/100 पे आप लगा दोगे आ जाएगा। मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है तो वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर काफ़ी सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि किसी शहर की जो जनसंख्या है 8000 है, अभी जो शहर की जनसंख्या वो है 8000, पहले वर्ष में जनसंख्या 10% बढ़ी, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, 110/100 निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि जनसंख्या क्या हो गई है, 10% बढ़ गई है, तो 110/100 निकाल देंगे। फिर जनसंख्या 20% कम हो गई तो फिर इसका हम कितना निकाल देंगे, 80/100। देखिए जब भी बढ़ोतरी की बात करता है तो 100 में हम उतना चीज़ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कमी की बात करेगा तो 100 में उतना चीज़ हम माइनस कर देते हैं। अब दो वर्ष के बाद जनसंख्या आपसे पूछा है तो ये क्या करिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इस 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए, 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 11 × 88 और गुड़े 8, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 8 × 64 हाथ में आ 6, 8 × 64 और 6 आपका आ गया 80, ये हो गया 8040। तो अब जो जनसंख्या होगी शहर की वो हो जाएगी 8040। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इतने इतने और भी क्वेश्चन हम लोग देख कर डिस्कस करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे सकते हैं, सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सभी के सभी डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा किस इजी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब चाहे वो परसेंटेज के क्वेश्चन हो या फिर साधारण ब्याज के क्वेश्चन हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, लगभग हम लोग हर एक शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अगले भी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन है ये। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को देखा तो आप क्या करोगे, खुद के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और आपके पास कोई और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप जो है वो क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन ये आता है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो मूल कीमत बताइए कितनी थी। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि बढ़ने के बाद कमी होने के बाद कीमत कितनी थी, दोनों पूछ सकता है, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए माने तो पहले जो चीनी की कीमत थी वो 100 रुपये थी, अब कीमत 90 रुपये हो गई, ये क्वेश्चन हो गया कि जो पहले कीमत थी वो थी 100 रुपये और अब कीमत हो गई 90 रुपये। जब रेशियो में करेंगे तो 0-0 कट जाएगा, पहले हो जाएगा 10, अब हो गया 9। लेकिन ये क्या है, ये SP है, क्योंकि इसमें क्या कहा, कमी हो रही है उसके दाम में। अगर हम CP निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हम देखेंगे तो हमारा 1 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, और 1 रेशियो की वजह से वो कितना चीनी ज़्यादा खरीद ले रहा है, 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। तो जो 1 आया हमारा वो यहाँ का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी कर देंगे, तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 10। तो चीनी की जो पहले कीमत थी वो 270 रुपये की बात कर रहा है, 270 में बात करेंगे तो कितनी थी, वो 30 रुपये थी, अब वो कितनी हो गई, 270 की बात कर रहा है, 10 रख देंगे नीचे, अब हो गई वो 27 रुपया। ठीक है, तो आप देख लीजिए 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, 30 का आप 10% निकालोगे तो 3 आ जाएगा और 3 माइनस करोगे तो आपका आएगा 27। ठीक है, तो पहले कितनी चीनी की दाम थी, 30 रुपये प्रति किलो था, और अब कितना दाम हो गया, 27 रुपये प्रति किलो हो गया। आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस आप यहाँ पे चेंज करना मत भूल जाएगा कि SP को आप CP में चेंज करना मत भूलेगा, वरना क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आएगा। अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सोच के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, और सोच के सॉल्व कैसे करोगे, कि आपकी स्पीड तेज कैसे होगी, जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आपका बढ़ती जाएगा, कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे स्पीड कम होती जाएगी। तो चीज़ों को ख्याल रखना और आराम से सारी की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करना, फेस करना है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत मूल कीमत से 20% बढ़ाकर लिखता है,
इसका मतलब ये कह रहा क्वेश्चन, अगर वो 100 रुपये का कोई सामान बेचने वाला था लेकिन उसने क्या कर दिया, उसका 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया, यानी उसने लिख दिया 120 रुपया, और ग्राहक को वो 10% की छूट दे रहा है, यानी ग्राहक से वैल्यू कितनी ले रहा है, वो 90% की वैल्यू ले रहा है। यही तो हो गया क्वेश्चन में, 10% की छूट ले रहा है। मैंने आपको हमेशा हमेशा ये बताया, अगर प्रॉफिट की बात करेगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, लॉस की बात करेगा तो 100 में उतना घटा देंगे, तो बताना उसको लाभ होगा या हानि होगा। अब काट दीजिए, 12 नवा कितना होता है, 108 होता है, यानी एक्चुअली में उसका सामान अब भी कितने का बिक रहा है, 108 रुपये का बिक रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 8% का। क्यों? क्योंकि 100 का सामान था तो 108 में बेचा, प्रॉफिट कितना हो गया, 8% का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आपने देखा परसेंटेज, हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, जिससे आपको सारी की सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो वहाँ पर आप सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैंने सो साधारण व्याज चक्रवृद्धि व्याज की वीडियो अपलोड किया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो जरूर ज्वाइन करिए। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड